आप सभी का स्वागत है सोनू होम नेटिंग चैनल में। तो मैं आज आपके लिए एक नया डिजाइन का फंदे डालना सिखाऊंगी। ये आप बॉर्डर से पहले इस डिजाइन को डालें और उसके बाद आप बॉर्डर बनाएं तो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत से लगेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने जो फंदे लिए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 फंदे लेने के बाद देखिये हम इस तरह से इसकी बुनाई करेंगे। जैसे आप क्रोशिया से बुनते हैं ना, बस इस हाथ पे हम इस तरह से धागा ले लेंगे ऐसे, ठीक है। लेफ्ट हैंड के हमने ये वाली उंगली पे धागे को लपेट लिया। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा इस तरह से लेंगे, पीछे साइड वाले से देखिए, पीछे साइड से इसे इस तरह से खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे। ऐसे लिया हमने, खींचते हुए अपनी ओर लाना है, यानी कि सीधा बुनना है। बुन लिया हमने। अब देखिये ये जो हमारा सिलाई है इसके नीचे से ले जाएंगे और यहाँ से धागा खींचते हुए ऊपर लाएंगे इस तरह से, ठीक है। हल्का सा लूज रखेंगे, फिर जो नेक्स्ट फंदा आएगा इसे हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। घुमाते हुए इसे सीधा बनाना है आपको, सीधा बनाया। फिर से सिलाई नीचे लेके जाएंगे और ये फंदा खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे इस तरह से। अब जो नेक्स्ट वाला फंदा इसे लेंगे और इसे हम सीधा बनाएंगे। ऐसे लिया हमने और इसे सीधा बना लेना है, ठीक है। हल्का सा लूज रखेंगे हम, फिर से सिलाई यहाँ से नीचे से डालेंगे, फंदा खींचते हुए ऊपर आएंगे और यहाँ पे फिर से हम इसे सीधा बना लेंगे। ऐसे लिया हमने, पहले सिलाई है थोड़ी सी दिक्कत लगेगी, उसके बाद आराम से ये बन जाएगी। ऐसे लिया और यहाँ पे हम इसे सीधा बना लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे से सिलाई डालेंगे, एक फंदा इस तरह से खींचते हुए लाएंगे। किसी फंदे में नहीं डालना, सिर्फ नीचे से धागा घुमाते हुए लाना आपको। उसके बाद अगला फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर देखिए सिलाई को नीचे ले जाएंगे और यहाँ से फंदा खींचते हुए वो ऊपर लाएंगे। इस वाले फंदे को हम यहाँ पे फिर से सीधा बना लेंगे ऐसे, फिर से धागा नीचे से लाएंगे और इसे हम ऐसे बना लेंगे, सीधा बना लेना है। फिर से धागा नीचे से लाएंगे, इसे हम यहाँ से लेंगे और सीधा बना लेंगे। फिर देखिए यहाँ से धागा घुमाएंगे, ऐसे लाना आपको घुमाते हुए, ठीक है। उसके बाद अगला फंदा सीधा बनाएंगे हम, फिर से धागा घुमाएं, यहां से घुमाते हुए ऊपर लाना आपको। इस तरह से ऊपर लाया हमने। अब यहाँ पे ये वाला फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे, फिर से धागा घुमाएंगे ऐसे और यहां से इसे, ये लास्ट का फंदा भी हम सीधे बना लेते हैं, धागा नहीं घुमाएंगे। नॉर्मल एक फंदा जब बचे इसे इस तरह से नॉर्मल सीधा बना लेंगे, ठीक है। पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। दूसरी सिलाई देखिए किस तरह से बनेगी। इस उंगली में हम धागे को इस तरह से ले लेंगे, जिस तरह से हम क्रोशिया से बुनते हैं, बस धागे को इस उंगली पे रख लेना है। और देखिए पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दो हमने यहाँ पे बनाए थे सीधे, इसे हमें सीधे ही बनाना है। इस तरह से लिया हमने, जैसे घुमाया और सीधा बनाया, ठीक है। फिर इस वाले फंदे पे डालेंगे, ऐसे डालना है आपको और इधर से नीचे से खींचते हुए इस धागे को ऊपर ले आना ऐसे, ऊपर लाए। अब जो हमने फंदा वाला फंदा था, देखिए जो हमने धागा घुमाया फंदा ये वाला है ना, इसे हम इस तरह से इधर कर लेंगे, यानी इधर करना है। उसके बाद हम इस वाले फंदे को उतार लेंगे, फिर धागा उधर लेके चले जाएंगे। और जो बुना हुआ फंदा है इसे हम सीधा बना लेंगे, और जो उतारा हुआ फंदा था यानी जो नीचे से हमने फंदा लिया हुआ था उसे हम उतार लेंगे, लेकिन धागा इधर करते हुए। ऐसे किए हमने धागे को, इसे उतारा, फिर धागा उधर लेके चले जाना है और इस वाले फंदे को जो बुना हुआ फंदा सीधा उसे सीधा बनाएंगे, फिर धागा इधर करेंगे, लंबा वाला फंदा जो था उसे हम उतार लेंगे, फिर धागा उस तरफ करेंगे, सीधा बनाएंगे, धागा इधर करेंगे, इसे उतार लेंगे, धागा उधर करेंगे, इस वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, ठीक है। फिर धागा इधर करेंगे, इस वाले फंदे को उतारेंगे, फिर धागा उधर करेंगे, सीधा बनाना है इसे। मैंने यहाँ पे डबल फंदे करते हुए बनाया हुआ है, सीधा बना लिया, धागा इधर करेंगे, इसे उतार लेंगे,
ये धागा उधर करेंगे, बुना हुआ फंदा को ही बुनना है आपको, और जो लपेटा हुआ फंदा था यानी नीचे से खींचते हुए जो लाए थे उस वाले फंदे को आपको उतार लेना है धागा इस तरफ करते हुए, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने उतारा ये धागा उधर लेके चले जाएंगे, फिर से सीधा बनाएंगे, धागा इधर करेंगे, इसे उतारेंगे, फिर से धागा उधर करेंगे, लास्ट में दो फंदा रहेगा, एक उतारा हुआ फंदा और एक बुना हुआ फंदा। तो इस वाले धागे को इधर किया हमने, इस फंदे को उतार लिया, लास्ट में फंदा जो है इसे हम इस तरह से धागा घुमाते हुए यहाँ पे सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। तीसरी लाइन में देखिए इस तरह से आपको सीधे तरफ से ऐसे दिखेगी, देखिए बहुत ही प्यारी नीचे की डिजाइन आएगी जब आप इसे बनाएंगे। तो फिर से हम धागे को इस तरफ से कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए शुरुआत का फंदा हम इसे हम सीधा बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद लपेटा हुआ फंदा जो है हमने जैसे उतारा हुआ था उसके बाद बताती हूँ आपको क्या करना। पहला फंदा को पहले हम यहाँ पे सीधा बना लेते हैं इस तरह से, लिया इसे घुमाते हुए निकाल लेना आपको। अब ये फंदा और ये फंदा, ठीक है, उतारा हुआ फंदा और एक सीधा फंदा, इन दोनों को इस तरह से लेना है इस तरह से, और दो का एक करते हुए इसे उतार देना है। फिर लेंगे इन दो फंदों को ऐसे और दो का एक कर देना है। फिर से लेंगे दो फंदे, एक उतारा हुआ फंदा एक बुना हुआ फंदा, इन दोनों फंदों को इस तरह से लेना है सीधा बुनते हुए, इन दोनों को दो का एक कर देना। फिर ये वाला फंदा लेंगे और एक बुना हुआ फंदा, दोनों को लेना है आपको इस तरह से जाना है सीधा बनाना है, ठीक है। फिर लेंगे इस तरह से सीधा बनाया है, फिर इन दो फंदों को लेंगे, फिर इसे लेंगे, ऐसे लिया हमने, फिर इन दो फंदों को लेंगे, दो का एक करेंगे इस तरह से, फिर दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, लास्ट में आपका एक फंदा सीधा रह जाएगा, इसे हम सीधा बना लेंगे, ठीक है। तीसरी लाइन हो गई हमारी इस तरह से, देखिए डिजाइन पता चल रही है आपको, देखिए कितनी प्यारी सी। अब उल्टे साइड से क्या करेंगे, सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे, लेकिन उल्टा बुनने का भी तरीका देख लीजिए, या नॉर्मल भी आप उल्टा बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से उल्टा बनाऊंगी। देखिए धागे को फिर से हमने इधर कर लिया, इस तरह से उंगली पे लपेट ले, धागा हमारा इधर ही रहेगा उल्टे साइड। अब इस तरह से लेंगे और धागे को घुमाते हुए देखिए इस तरह से लिया हमने, और यहाँ पे हमने पहला फंदा उतार लिया, धागा इधर करेंगे। अब सेकंड फंदा से ऐसे लेना है आपको और इस तरह से घुमाते हुए हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। फिर से देखिए ये सेकंड फंदा, ये थर्ड वाले फंदे को इस तरह से लेंगे, धागा इधर रखेंगे और इस तरह से घुमाते हुए हम ऐसे बुनेंगे, फिर ऐसे रखेंगे, फिर इसे घुमाते हुए उल्टा बुनते हुए जाएंगे, फिर धागा इधर रखेंगे, इसे उल्टा बुनेंगे, फिर से धागा इधर रखेंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर से धागा इधर रखेंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर से धागा इधर रखेंगे, उल्टा बुनेंगे, धागा इधर रखेंगे, यानी कि धागा अपनी साइड ही है, जिस तरह से उल्टा बनाते हैं लेकिन ये उल्टा बनाने का तरीका दूसरा, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत से हमारा ये नीचे का बॉर्डर का लाइन बन के आएगा। ये हो गया लास्ट का फंदा, इसे भी उतार लें या फिर उल्टा ही बना लें, ठीक है। अब आगे साइड से देखिए कितनी प्यारी और खूबसूरत से हमारे नीचे की बॉर्डर लाइन बनके कंप्लीट हो गई है ना, कितनी प्यारी। देखिए थोड़ा सा और मैंने इसी कलर में बड़ा सा बना के रखा हुआ है, ये देखिए बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत से डिजाइन है। अब इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन डाल सकती है, नीचे का इस तरह से बना लें, उसके बाद आगे का डिजाइन आप अपने मर्जी से डालें। उल्टे साइड से कुछ इस तरह से ही दिखती है, नीचे से कट दिख रही है इस तरह से, और आगे साइड से बहुत ही खूबसूरत सा। तो चलिए बनाइए, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू।